हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और उसमें हम लेक्चर 7 देख रहे हैं, जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी 4 टाइप की आएंगी, उनमें से हम आज एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 by 1 डिस्कस करते रहेंगे, उनके साथ साथ हम एग्जांपल्स ये न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि ये टॉपिक उठा के आपसे पूछ लिया है कि थ्योरी पोर्शन आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनके बेस पर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उन पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन की ही बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। तो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या देखा था, रॉल्ट लो में क्या था कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बन रहा है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो आप वोलेटाइल ले रहे हो और एक नॉन वोलेटाइल ले रहे हो। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूट चेंज किया, आपने सॉल्वेंट चेंज नहीं किया, एज इट इज है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी। अब सॉल्यूट के भी 2 चीजें देखनी है आपको, एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स और एक देखना है आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब पता है, हम उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं कि वीक है या फिर स्ट्रांग है। ठीक है, या फिर वो पोलर है नॉन पोलर है, ये होता है नेचर। तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि डिपेंड किस पर करती हैं, सॉल्यूट पर, लेकिन सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन मेंशन की हुई है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉल्यूशन की एस प्रॉपर्टी जो कि किसके सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है मेनली वो आपको मिलेंगी 4। ठीक है, कौन कौन सी है, एक है फर्स्ट रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, जिसको हम RLVP भी बोलते हैं, और ये मैंने आपको करा दिया है। जो रॉल्ट लो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखा था वही है ये। ठीक है, एंड सेकेंड आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज की इस वीडियो के अंदर ओनली हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं RLVP। तो बच्चों, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, RLVP। अब बच्चों, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, ये रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर है क्या एक्चुअल में, जब हम क्या करते हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहां पर कॉमा लगा के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज। ठीक है, इसी को ही आप क्या बोलोगे, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। जब आप क्या कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था सेकंड केस रॉल्ट लो का, वही है एज इट इज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखो जो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं समझा देती हूँ। आपके पास एक
फॉर्मूला आया था पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, यहाँ पर पी ए भी लिख सकते हो, और ये है क्या वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या है, इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, जो पी नॉट है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। पीएस क्या है, पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट को जब आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर है पीएस। और पी नॉट माइनस पीएस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पी नॉट माइनस पीएस इज द लोवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, लोवरिंग वेपर प्रेशर। और अगर हम बात करें पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू दिस इज द आर एल वी पी, दैट मीन्स रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर। एंड एक्स बी क्या है, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये ध्यान रखना सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है। तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया था अच्छे से, वहीं से ही मैंने एज इट इज लिखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले में और क्या क्या चीज आ सकती है, मतलब अगर हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अगर यहाँ लिखे तो हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट का। अगर आपके पास क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास नहीं दिया होगा निकालना पूछा जाए और यही फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंडेड होता है ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स बी दैट मीन्स सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। सभी को पता है ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यहाँ पुट करके आप मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे अभी देखो जल्दी से। देखो बच्चों हमें पता है, वी नो दैट एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी होता है ना। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर पुट कर दो या इस वैल्यू को पुट कर दो तो क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अगर इफ एन ए इज मोर ग्रेटर देन एन बी, कौन से केस में, इस नीचे वाले केस में, तो एन बी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा एन ए। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। और एन ए एन बी आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और हमें ये भी पता है, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है ना। आप देखो NB दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करोगे, WB डिवाइडेड बाय MB। WB क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। B का मतलब सॉल्यूट है, A का मतलब सॉल्वेंट है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NB की वैल्यू पुट करेंगे और NA की वैल्यू पुट करेंगे। NB की करोगे तो यहाँ BB लगा दो, और NA की करोगे तो क्या लगाओगे, WA डिवाइडेड बाय MA। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू, यहाँ क्या करोगे, WA डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे क्या आ गया, MA, और उसके भी डिवाइडेड में क्या है, सॉरी यहाँ बी है ना सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट का ऊपर रखना है आपको। ठीक है, और नीचे क्या रखना है, सॉल्वेंट का रखना है। क्लियर, अब ये चीज ऊपर चली जाएगी ना, ये यहाँ पर आ जाएगी। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए
डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। एक आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है और एक ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है या पूछा गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर मोल फ्रैक्शन की कहीं बात नहीं है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही होता है, गिवन मास इनमें से कोई एक मिलेगा, एक निकालना पूछा जाएगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, क्लियर है। तो बच्चों ये था फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉबरिंग वेपर प्रेशर। अब इसके बेस पर हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, वो देखना आपको। देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg एंड लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन इज 0.061 mm ऑफ Hg, मतलब मर्करी, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड थर्ड आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, दो वेपर प्रेशर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, कहीं भी मास नहीं है, तो इसका मतलब हमें मास वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला जो हमारा फॉर्मूला आया था वो हमें अप्लाई नहीं करना, फर्स्ट वाला ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले में भी आपको चीजें देखनी है, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर आपको निकालना है, और दिया हुआ क्या है पहले हमें फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करना है, दिया हुआ क्या है वो भी मेंशन करना है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और देखो नीचे लिखा हुआ है शुगर, इसका मतलब शुगर है सॉल्यूट और वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ जो वाटर है, वाटर हमारा क्या है सॉल्वेंट है, उसका हमें दिया हुआ है। दैट मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट, ठीक है। मैंने आपको कहा था प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको हम पी नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू दी हुई है कितनी है 17.5 mm। अब आप ये कहोगे यहाँ तो टेम्परेचर भी है, बच्चों यहाँ टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता, आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना, तो टेम्परेचर दिया हुआ मिलेगा लेकिन हमें ये अप्लाई नहीं करना अपने फॉर्मूले में। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, लोवरिंग वेपर प्रेशर। अब ये जो लोवरिंग वेपर प्रेशर है वो भी मैंने आपको बताया था, लोवरिंग वेपर प्रेशर को आप कैसे डिनोट करते हो पी नॉट माइनस पी एस, यही होता है, ये होता है लॉवरिंग वेपर प्रेशर, और इसकी वैल्यू है 0.061 mm, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर का भी फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, वी नो दैट आरएल जो वीपी होता है वो क्या होता है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, दिस इज द रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। फॉर्मूले में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, अब आपके पास ये दो वैल्यूज है, इनको पुट करोगे और आंसर हमारा निकल गया P नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है 0.061 और ये P नॉट की वैल्यू है 17.5। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.0034 समथिंग। तो फर्स्ट हो गया रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, अब सेकंड देखना है हमें, फर्स्ट ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड निकालना है, सेकंड क्या निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे डायरेक्ट निकाल दो, फॉर्मूला याद रख लेना, क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस लोवरिंग वेपर प्रेशर, यानी कि जो ये दोनों वैल्यूज हैं वही यहां पर काम आएगी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट मींस ये वाला कितना है 17.5 और माइनस कर दो इसमें से 0.061 को, आपका आंसर आ जाएगा। देखो लोवरिंग वेपर प्रेशर है ना, इसको माइनस करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है, ये अपने आप कैलकुलेट करोगे, बहुत ही इजी है। थर्ड देखो बच्चों इसमें थर्ड क्या पूछा है, थर्ड पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। अब बहुत इजी है, हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था वो कंप्लीट होने वाला, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और शुगर क्या है सॉल्यूट ही तो है। देखो वी नो दैट पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट,
इक्वल टू किसके होता है, एक्स बी के, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर है एक्स बी, और इसकी वैल्यू हमें पता है। देखो हमने फर्स्ट यही तो निकाला था, क्या निकाला था, 0.0034, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर भी हमें पता चल गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर दैट मीन्स एक्स बी क्या आएगा, ये वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली, तो हम यहाँ पर पुट कर दे 0.0034, पुट क्या, आंसर ही यही है, ठीक है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, शुगर का निकाल लिया, वाटर का निकालना है, बहुत ही इजी है। अब कैसे इजी है, देखो हमें ये पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हमेशा। तो हमें निकालना है अब एक्स ए, क्योंकि एक्स बी की वैल्यू पता है, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी, और एक्स ए आराम से निकल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 0.034, 1 में से माइनस करोगे आपका ये आंसर भी निकल जाएगा, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है एक्स ए क्या है, ये आपको यहाँ निकालना है, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉटर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप करोगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, अपने आप करोगे, इतना तो कर ही सकते हो, सबको आता है, और ये वाले भी आप करके देखोगे, ठीक है, कंप्लीट कितना आंसर आएगा आपके। तो ये हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने सिर्फ ये देखा दिया हुआ क्या है, और हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, और वो हम निकाल लेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये वाली टर्म है, ये मत कर देना ये इक्वल टू एक्स बी, वो कंप्लीट फॉर्मूला है, लेकिन ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये होता है, डिफाइन किया था ना मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो यहां से तो ये निकल जाएगा। उसके बाद वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज पुट करोगे आंसर निकालोगे। नेक्स्ट में आपको क्या करना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। अब हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, हमारा आंसर ये आ गया। और अगर ये पता है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स वाटर का, तो वो हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वेरी सिंपल है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब आपको मास कैलकुलेट करना है तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, मतलब ये ऑक्टेन क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि यह सॉल्यूट लिखा हुआ है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऑक्टेन के अंदर इसको डिजोल्व किया है, तो ऑक्टेन के अंदर जैसे डिजोल्व करोगे क्या होगा, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, इसका 80% क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हमें ये पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो 80% रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स 80 आपके पास वेपर प्रेशर रहेगा, किसका, सॉल्यूशन का, 80 mm, लेकिन आपके पास जो सॉल्वेंट का है वो कितना है, तो आपको पता है प्योर जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होते हैं, और प्योर के हम 100% मान के चलते हैं, ठीक है। तो उससे आंसर बहुत जल्दी निकल के आएगा। तो देखो सबसे पहले हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है, तो सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है वो पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास, किसका, सॉल्यूट का मास या सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट, सॉल्यूट का तो पूछा है, ठीक है। तो और एक चीज और, यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस डब्ल्यू, नॉट डब्ल्यू, एम बी, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम है, और आपके पास ये जो मास है ये किसका है, सॉल्वेंट का मास है, तो गिवन मास है, तो हम ये लिखेंगे मास, या फिर वेट लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स यहाँ है डब्ल्यू ए, कितना है, 114 ग्राम। तो हमें डब्ल्यू एम बी भी पता होना चाहिए, एम बी मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट हमारा क्या है, ऑक्टेन है, और उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे पता होगा, देखो मैंने यहाँ लिखा ऑक्ट, दैट मीन्स कार्बन कितने हैं, 8 है। अब हाइड्रोजन नहीं पता कितने हैं, बहुत पता है ना, देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, एन। एन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब एक सिंपल या जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू, यही होता है ना, ये अप्लाई करो। एल्केन के लिए यही होता है, एल्कीन में ये प्लस टू नहीं होता, एल्काइन में माइनस टू होता है, बस इतना सा फर्क होता है। तो एन की वैल्यू हमें पता है 8 है, तो यहाँ पर 8 पुट करो, 8 इंटू टू 16 प्लस टू 18, दैट मीन्स एच 18। अब हमें ये भी पता है कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना, ये आपको खुद निकालना है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो कार्बन कितने हैं, 8, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 18, इंटू कर दो 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 114। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन में मास दिया हो, वेट, अगर मास से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ वेट लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। वे ऑफ सॉल्वेंट कितना है 114 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाल लिया, कितना है मॉलिक्यूलर मास, दैट मींस MA कितना है 114 ग्राम ही है, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर ये चीजें आ गई है, लेकिन यहाँ वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है 80%, किसका, सॉल्वेंट का, ये हमारा सॉल्वेंट है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नॉट सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है, तो यहाँ आपको सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 80 mm, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो आपका 100% रहेगा, क्योंकि वो क्या होता है ज्यादा होता है, तो 100 mm आप मान के चलोगे, ठीक है। अब इससे आप क्या निकालोगे, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और क्वेश्चन में पूछा क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देखो WAMA दिया हुआ है, WB नहीं है ना, दैट मींस WB हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है PS, फटाफट लिख डालो, XB होता है ना, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो RLVP की। देखो P नॉट, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो आप 100 कर दो, माइनस PS मतलब 80, तो यहाँ 80 कर दो, डिवाइडेड बाय P नॉट मतलब 100, आप आंसर निकालोगे, यहाँ क्या आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 100, 1/5, इसका मतलब 0.2 आंसर आ गया, या फिर सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हो, पॉइंट लगा दो यहाँ ऊपर, 0.2, ये क्या आ गया है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट होता है वो किसके इक्वल होता है XB के, है ना, और यहाँ भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करो, उसमें जितनी भी वैल्यूज दी है वो पुट करनी है और हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो, या फिर हम ये कहें जो मास है वेट का, वो क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, तो वो आप पुट करके और फिर आंसर निकालोगे, दैट मींस इसको एक्स मानोगे आप, ठीक है। तो हमने सपोज मान लिया जो हमारा डब्ल्यू बी है वो क्या है एक्स है, तो बच्चों एक्स भी आपको पता है क्या होता है, आपको वैल्यूज इसका फॉर्मूला पुट करके और फटाफट हमें वैल्यूज पुट करनी और आंसर निकालना है। देखो क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू, क्या करोगे आपको पता है क्या होता है, एन बी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन ए, या फिर अपोजिट कर दो, ठीक है, एन ए प्लस एन बी कर दो, और ये भी पता है आपको क्या होता है, तो मैं वो वैल्यूज डायरेक्ट पुट करके और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, यहाँ क्या लिखोगे
डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए, एंड यहाँ क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी। ठीक है, आपको ये करना है। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू बी हमने एक्स माना है, ये आपको पता है, फटाफट वैल्यूज पुट करो। इसकी आपको पता है 0.2 होती है, 0.2 होती क्या है, हमने कैलकुलेट किए यहां से, दिस इज द रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, आप देखो डब्ल्यू बी निकालना है, इसका मतलब ये है एक्स वाई, यहाँ पर एम बी कितना है 40, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एम बी 40, हमने लिख दिया ना पहले। अब डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या है, देखो आपको क्वेश्चन में मिलेगा यहाँ पर 114 डिवाइडेड बाय नीचे भी 114 प्लस क्या करोगे एक्स बाय 40। अब आप ये सोच रहे कि मैम ने हमें जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड जो फॉर्मूला डराइव किया था वो वाला अप्लाई क्यों नहीं किया, तो बच्चों उसमें हमने माना था कि एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, अगर क्वेश्चन में वो चीज लिखी हुई मेंशन आती है मेंशन है तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अदरवाइज ये वाला ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ अगर हुआ ना कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के सॉल्वेंट के ज्यादा है सॉल्यूट के कंपेयर में, तो फिर आप जो सेकंड जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो करोगे। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन नीचे से आप हटा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं तो आपको पूरा का पूरा लेकर चलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x बाय 40 है, यहाँ ये तो 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस x बाय 40 हो गया। अब इस 1 प्लस x बाय 40 को आप इधर ले आओ, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो आप क्या करोगे 0.2 1 प्लस x बाय 40 इज इक्वल टू x बाय 40, ये x बाय 40 एज इट इज है, नीचे वाला हम यहाँ लेकर आ गए तो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.2 प्लस 0.2x डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू x बाय 40, x x की टर्म को क्या रखोगे एक साथ रखोगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं ये वाला वर्ड यूज करूंगी, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चों यहां से देखो आपको ये चीज सॉल्व करनी है, तो 0.2 प्लस 0.2x डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू x बाय 40 ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो 0.2 इज इक्वल टू एक्स बाय 40 माइनस 0.2x बाय 40। मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल के हो नॉन मेडिकल के हो तो भी ठीक, तो आती है आपको एक जैसी टर्म साथ रखनी होती है, x x से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो उनको साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 40 अगर आप ले लेते हो एलसीएम तो देखो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 0.2x। ठीक है, x दैट मीन्स 1 है, इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, वेरी सिंपल 0.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.8x डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ गया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और यहाँ पर 4 बार और ये 10 बार, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 ग्राम। x यहाँ पर क्या माना था हमने, डब्ल्यू बी इज द x, यही है ना, और डब्ल्यू बी दैट मीन्स मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हम क्या लिखेंगे मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 10 ग्राम, ये हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था बच्चों, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज आपको अप्लाई करनी है, बस सीधी सीधी लिखनी है, डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई रहती है रखनी होती है, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क ये है कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में, आप कोई भी बुक अगर प्रेफर करते हो, ज्यादा तो आई थिंक प्रदीप्स की ही बुक प्रेफर करते हैं सब लोग, तो अगर आप उसमें से पढ़ रहे हो तो जितने भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आता ही आता है, फर्स्ट जो फोर्थ यूनिट है मतलब केमिस्ट्री के फर्स्ट जो वॉल्यूम है उसकी जो 4 यूनिट है 4, 1, 2, 3, 4 उन्हीं में से ही न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, क्योंकि वही फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ में, टेक केयर।